तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू फ्री फायर के गेम प्ले वीडियो में। और भैया जी इसमें देखो बोया नहीं हो पाता मैं पहली बता देता हूँ, लेकिन आप फाइट मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और ग्रोजा मिलती है और भैया फैक्ट्री उतर के मुक्काबाजी करने के बाद ग्रोजा वगैरह मिल जाए कसम से दिल खुश सा हो जाता है। तो हाँ दिल खुश होने के लिए तैयार हो जाओ। खैर पहुंच चुके हैं फैक्ट्री पे, बिल्कुल टॉप पे टंकी पे, और एक बंदा आ चुका है और उसकी सीधा पेटी बनानी है हमने। एक और है नीचे। वो साला पीटी बनने जा रहा है भाई। अच्छा रिवाइज नहीं आ रहा था, मैंने गलत समझ लिया बेचारे भले आदमी को। अब ये आदमी बेचारा भला आदमी होता है और हम इसको गलत समझ बैठते हैं। हमको लगा था कि यार ये किल चोरी करने के लिए जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बढ़िया आदमी था, वो भला आदमी था, रिवाइव देने के लिए जा रहा था। लेकिन अगर वहीं पे हम में से कोई नॉक हुआ होता तो पेटी बड़ी जल्दी बनती हमारी। और इसी के साथ ये दोनों भाई लेफ्ट और राइट से रश करते हैं। पहले मैं देखता हूँ राइट से एक बंदा आया, उसके मैं एक हेडशॉट पेलता हूँ और बाकी बॉडी शॉट पेल के उसकी पेटी बन जाती है। उतने में क्या होता है, ये बंदा नीचे से आता है। अब देखो ऊपर से नीचे हेडशॉट मारना इतना मुश्किल नहीं रहता, लग जाता है काम चलाओ। तो हाँ इसको भी हेडशॉट पड़ता है एक, और उसके बाद बॉडी शॉट से इसका भी काम हो जाता है, और इसी के साथ फैक्ट्री खाली हो जाता है। हाँ ज़्यादा किल नहीं मिले, लेकिन यार बढ़िया है, मतलब 5-6 किल मिलना ठीक है, अपना अपना काम चल जाएगा। खैर इसी के साथ मैं जा रहा होता हूँ फैक्ट्री की ओर, फैक्ट्री नहीं क्लॉक टावर की ओर। अब यहाँ पे दो बंदे बैठे हैं दो अलग अलग एंगल में, यानी कि अगर मैं एक बंदे को मारने की कोशिश करूँगा तो दूसरा मारेगा, और क्योंकि हम दोनों एक ही जगह पे फंसे एक ही पेड़ पे तो दिक्कत होनी है थोड़ी। लेकिन देखो दिक्कत ये नहीं है कि सामने दो बंदे हैं, दिक्कत तब होगी जब पीछे से भी बंदे आएंगे। और यार मानो या ना मानो पीछे से दबा के बंदे आते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारा भाई क्लच करके रहेगा। देखो अब क्या गलत सीन होते हैं यहाँ पे। पीछे बंदे आ गए, खेल लिया यार। और यार ये वाले क्लच के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना। पीछे से लोग अचानक से हमला करते हैं, उसके बाद भी तुम्हारा भाई संभाल ही लेता है यहाँ पे एक तरह से। और इन दोनों को देखते देखते यार एक तीसरा बंदा थर्ड पार्टी करने आता है, लेकिन वो काफी दूर था और ग्रोजा यार मजा आ जाता है चला के, क्या ही आवाज आती है ग्रोजा की। यार ग्रोजा कोई भी गेम हो, मतलब ग्रोजा गन हर गेम में खतरनाक ही होती है। खैर इसी के साथ देखो मैं आ जाता हूँ टावर पे, और सीन ऐसा हो रहा है ये लोग आगे से रश कर रहे हैं। अब देखो मेरे को अगर जिंदा बचना है तो मेरे को इन्हें पहले ही मारना होगा, इससे पहले कि ये टावर पे चढ़ने लग जाए।
और जिस हिसाब से यार गोली लग रही है ना, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं नॉक कर पाऊंगा किसी को। वो लोग काफी बढ़िया रश कर रहे हैं, मतलब दीवार वगैरह बना के आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। देखो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि भैया पहुंचने से पहले नॉक कर दूं, क्योंकि देखो ओपन में मैं मार दूंगा तो अपने लिए आसानी रहेगी, लेकिन आपको पता है यार गलत सीन होंगे ही होंगे यहाँ पे, तो देखो आप गलत सीन। अब देखो यहाँ पे अगर ये बंदे एक एक करके रस करते तो मैं इनको आराम से बेल देता, लेकिन आ इन्होंने दिमाग लगाया, टीम वर्क करके खेला, टीम वर्क करके और मेरी पेटी बना डाली। एक बंदा आता है उसको मैं नॉक करता हूँ, लेकिन यार उतने में उसका पीछे से टीममेट आता है और वो भी काफ़ी डैमेज देता है। हाँ अगर मैं वॉल लगा लेता टाइम पे तो शायद से कुछ हो जाता, लेकिन मैंने सोचा था कि यार एक ही स्प्रे में दोनों को निपटा दूंगा, और ये सोचना गड़बड़ हो जाती है। और मैं तब भी बच सकता था अगर मैं इनको रास्ते पर नॉक कर देता, लेकिन हाँ मैंने कोशिश पूरी की, नॉक ना हो पाए। खैर आज की वीडियो इतना यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते इस क्लच सीन वाले गेम पे और उस क्लच के लिए जो पीछे से बंदे आए थे जो उनको पहला यार, उसके लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए। तो कल मिलते हैं यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।